यीशु मसीह का नाम से शुक्र गुजारना चाहता हूँ जॉनी जो उनका हिंदी क्वायर के लिए सबके लिए सदस्य उनके लिए अभी फादरी माँ शुरुआत प्रार्थना करके हिंदी आराधना को शुरुआत। हे मेरे प्यारे परमेश्वर, आज तक आपने हमें अपने पंखों के नीचे संरक्षित रखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपकी कृपा हमारे पर बनाए रखे, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। जो भी बच्चे आज आपके आराधना में शामिल हुए हैं उन्हें सब आप आशीर्वाद दीजिए। आरंभ से लेकर अंत तक हिंदी आराधना को आप संभाल कर आपकी कृपा उन पर पादरी के ऊपर रखकर सुनने वालों के ऊपर भी रखकर अच्छी तरह से आपकी इच्छा अनुसार चलाइए। गाने वालों के साथ, आराधना करने वाले के साथ, वाक्य परिचर्य करने के वालों के साथ, प्रार्थना करने वाले के साथ रहिए एवं सुनने वाले के साथ रह कर आपकी आत्मा से प्रेरित कर यह हिंदी आराधना आपके नाम पर समर्पित करती हूँ। आमीन। शुरुआत करेंगे, आइए अभी उत्तरदायी पठन साम 12 राजू का साथ देंगे। एक वचन राजू पढ़ेगा, दूसरा वचन हम लोग पढ़ेंगे। हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा, मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसों में से झूठी हो कहता है, वे चापलूसी के होठों से दो रंगों की बातें करते हैं। प्रभु सब चापलूस होठों को और उस जीव को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। वे कहते हैं अपने जीतेंगे, हमारे होठ हमारे ही वश में हैं, हमारा प्रभु कौन है। दीन लोगों के लूट जाने और दरिद्रों के कहने के कारण परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूंगा, जिस पर वह पुकारते हैं उसमें मैं चैन विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी सा ताई गई है और सात बार निर्मल की गई हो। तू ही है परमेश्वर, उनकी रक्षा करेगा, उनके इस काल के लोगों के सर्वदा के लिए बचाए रखा। लास्ट में हम सभी लोग एक साथ पढ़ेंगे। जब मनुष्यों में नीचापन का आदर होता है तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। हालेलुया। बाइबल पठन संत मत्ती अध्याय 8 मैं इंग्लिश में बोलना चाहूँगा सब लोगों को मालूम करके। न्यू टेस्टमेंट सेंट मैथ्यू चैप्टर 8 वर्सेस 28-32 बोला, राजू का दोस्त बोला आके पढ़ेगा, हम सब उनका साथ देंगे। जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिसमें दुष्आत्मा थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम, क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है। उसने कुछ दूर बहुत से सूरों का झुंड चर रहा था। दुष्आत्मा ने उससे यह कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सूरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ, और वे निकलकर सूरों में बैठ गए और देखो सारा झुंड कड़के पर से झपट कर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। आज संत मत्ती अध्याय 8 में से हम लोग पढ़ने के हम लोग पढ़ लिया और बोला ने यहाँ हम लोग पता चल रहा है कि अपदूत ग्रस्त के एक मनुष्य एक आदमी गेरासेनियों के प्रदेश से आया है। प्रभु यीशु मसीह समुद्र के उस पार से इस पार आया, मतलब वो कोना से ये कोना आया, उस पार से गेरासेनियों के गांव और प्रदेश के उस पार आ गया तो निकल पड़े, गांव का अंदर आ गया तो उनका सामने आया एक अपदूत ग्रस्त, मतलब एक इविल स्पिरिट, उन लोग एक मनुष्य का अंदर था। कितना लोग है, बहुत लोग है। उन लोग ने बोला कि इंग्लिश में लेजेंड, मतलब बहुत सारे अपदूत ग्रस्त अपवित्र आत्मा उनका अंदर था, शामिल था, पहले मौजूद था। हमने अपने अपने भक्ति गीत गाए, अपनी स्तुति आराधना में क्या गाया, पवित्र आत्मा आ। जब पवित्र आत्मा आ गया, छा गया, अंदर रह गया तो पवित्र आत्मा का अनुसार हम चलते हैं, पवित्र आत्मा का साथ हम लोग चल के और
यीशु मसीहा का महिमा प्रकट करके वो जो बताया ऐसे हम लोग हमारा जिंदगी बिताते हैं, लेकिन जो पवित्र आत्मा का स्थान में अंदर दिल में और एक अपदूत ग्रस्त मतलब अपवित्र आत्मा शामिल हो गया तो ऐसे कैसे होगा, वो मनुष्य का स्थिति कैसा होगा। यहाँ बता रहा है वो बहुत उग्र हो गया, मतलब ही बिकेम वेरी वायलेंट, violence, see everywhere we see violence and terrifying atmosphere everywhere you see in this world. हम लोग घर में देते तो violent बन जाते हैं, गुस्सा कम है गुस्सा तो है करके गुस्सा उसका साथ it becomes a wrath and why something it increases accelerates, वो उनका speed बढ़ाते जाएगा तो उग्र बन गया और क्रोध बन गया, वो क्रोधी था क्रोधी आत्मा उनका अंदर था। तो यीशु मसीह का पास आके वो बोल रहा कि हमारा समय अभी आया नहीं है, हमारा समय का अंदर ही आप आना है, समय आपने दे दिया परमपिता ने अपना पिताजी और यहोवा ने दिया, वो समय गुजरा नहीं और इसका पहले ही आप आ गया, समय दिया गया समय हुआ नहीं है, हम लोग जो समय में धरती पे भेज दिया अपदूत ग्रस्त उन लोग को सारी गांव सारी किनारों में शहर में जाके शोर मचाते हैं, उन लोग अंदर रह के वायलेंट बना देते हैं, उग्र बना देते हैं, क्रोध बना देते हैं, अशांति फैलाते हैं, उन लोग बेचैन जिंदगी देते हैं अपदूत ग्रस्त। हम खाते हैं पीते हैं और कपड़ा खरीदते हैं कुछ भी हो और औरत और आदमी वाइफ एंड हस्बैंड एंड ऑल द रिलेशनशिप चिल्ड्रेन एंड फादर एंड मदर दिस इज कॉल्ड फैमिली, दिस फैमिली इज अटैच्ड टू गॉड द फादर एंड वी गॉट पीस। ऐसे यीशु मसीह ने मैं शांति देता हूँ चैन देता हूँ, मैं जब शामिल है चैन देता हूँ, घर का अंदर शांति रहता है जब यीशु मसीह का पवित्र आत्मा मौजूद है अंदर शामिल है अंदर। उनको हम लोग बुला दिया जब उनका स्थान में अपवित्र आत्मा शामिल होने से क्या होगा, इन दिस प्लेस ऑफ होली स्पिरिट व्हेन कम्स द इविल स्पिरिट व्हाट हैपेंस, पीपल विल लूज पीस एंड हैप्पीनेस इन द हाउस एटमॉस्फियर एंड यू सी द वाइफ एंड हस्बैंड उन लोग टकराते हैं, टकराने में जाते हैं, उन लोग एक बात में एक बात मोड़ मोड़ के बात करते हैं, एक बात वो बोला दोबारा वो बात का, वाइफ स्पीक्स अगेन टू हस्बैंड, हस्बैंड स्पीक्स अगेन टू वाइफ, why this happening, this atmosphere is not good, peace will be there when we accept, peace will be there when we take holy communion, peace will be there, hum log hindi aradhana mein telugu aradhana mein english aradhana koi bhasha ka antar nahi hai, kis bhasha bolne se bhi tamil ya malayalam kuch bhi bolo lekin andar bechain rehna sa hai, yesu masi ko pa liya unka pavitra atma ko hum log pa liya, we have to get peace of mind and we have to live happily with the family, why the relation is going gone outward, वो रिश्ता था वो चले गया, घर का शांति चले गया, क्यों, जब हम लोग समझना चाहिए तो अपदूत ग्रस्त कोई है, हमारा अंदर पवित्र आत्मा है ना हमारा अंदर यीशु मसीह का अपदूत ग्रस्त का आत्मा है जिसने इस आदमी को ठकराने में यीशु मसीह से बात करने में उग्र होने में वो चिल्ला चिल्ला उठा, मतलब इज गोइंग टू क्राई शाउट अलाउड शाउटिंग, see in the Christian house shouting violently it's not good, when wife shouts kitki khol diya to andar ka baat ye andar ka baat hai andar ka baat andar rehta na kitki khol diya darwaza khol diya shouting aloud violently speaking like a narcissist wife violently you're speaking and breaking wrath takravte hue jhagda karte hue ra what happened, then people in the pagans will speak to you, the people in the heathen people speak to you what What happened? आपने चर्च जाके आ गया, हिंदी आराधना में तेलुगु आराधना में है और अपने गॉस्पल टीम में है आप लोग, कहीं कहीं गार और चले गया, कहीं भी जाओ शांति आएगा, जब लोग पूछेगा when Jesus inspired then insight will be there, what is the atmosphere, पहचानो कौन है अंदर, अपदूत ग्रस्त मतलब अपवित्र आत्मा बेचैन बना दिया औरत को, बेचैन बना दिया आदमी को, बेचैन बना दिया
साथियों को बेचैन बना दिया, बच्चों को बेचैन बनाकर कहां है वो? कब्रिस्तान में रह रहा है। He is living in the solitary place where tombs are there. In the solitary place, is not a good place. House, वो घर में रहने वाला नहीं है, कब्रिस्तान में। He is living in the cemetery and he became violent. उनका रास्ता से निकल के जाने से सब लोग डर रहा है, क्योंकि ये violent बन जाते हैं। कुछ समय क्या करता है उनको मालूम नहीं है। He doesn't know what is going to happen in his own body. He's going to wound his body, harm to his body, himself. उसको वो मारकर पीटकर खून आते रहते बहते रहते तो वो आनंद रह गया। सपक दूत गस्त अंदर उनका शरीर को खून बना दे रहा है, सो सब घायल बना दे रहा है, लेकिन उनका शरीर का चोट लगा, घायल बना, शरीर तो नष्ट हो जा रहा है। उनका पता अपदूत ग्रस्त आदमी को नहीं, आदमी अच्छा है, आदमी को शरीर दिया गया है, शरीर का अंदर आने के लिए यीशु मसीहा कितना सालों से तड़प कर उन वो पवित्र पुत्र एकलौता बेटा को यहां बेचकर अंदर रखने के लिए गया। जो अंदर रखने का बात है प्रवचन, प्रवचन अंदर है, वाक्य अंदर है, यीशु मसीह है, तो अपदूत गत आएगा नहीं अंदर। द इविल स्पिरिट विल नॉट एंटर व्हेन द वर्ड ऑफ गॉड इज देयर, रिसाइड्स इन यू। अदरवाइज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड इज जीसस एंड हिज वर्ड गिव्स अ पीस ऑफ माइंड। तो जब चाहिए आप आनंद से आराधना कर सकते हैं, लेकिन पहचानो आपका अंदर कौन है। मनुष्य तो अच्छा है, मनुष्य को प्यार कर रहा है, अंदर का जो अपदूत ग्रस्त है निकल पड़ा। ये बात आपने पढ़ लिया, निकल पड़ा, ई केम आउट। व्हेन यू स्पीक वायलेंटली हु इज देयर, व्हेन यू स्पीक वायलेंटली एंड यू बिकेम रैथ ऑन योर ब्रदर सिस्टर वाइफ एंड हस्बैंड, यू बीट वायलेंटली शाउट अलाउड एंड डू समथिंग अनइवन थिंग्स एंड इविल थिंग्स, व्हाट इज दैट? द एटमॉस्फेयर इज रॉन्ग बिकॉज वो है परमपिता नहीं है, उनका प्रिय पुत्र यीशु मसीह नहीं है, उनका पवित्र आत्मा, उनका पवित्र वचन नहीं है। कौन है वो? कौन है करके हम लोग बताते ना, कोई है, ये आया अभी ना, कोई है अंदर। कौन है अंदर? मैं राजू हूं अंदर। कौन है अंदर? राजू दिखता है बाहर, अच्छा से सुंदर से। और राजू का अंदर कौन है? माफ करिए, राजू अंदर कोई मनोहर दिखता है, टिक टाक मनोहर, अंदर कोई है? कोई है मैं हूं करके आवाज ऊंचा से आया, और गर्व से आया, और ईर्ष्या से आया, जो क्रोधी आया, उग्र बन गया। वी टॉक वायलेंटली, वी टू अब्यूज एंड वी डायट्राइब एंड वी चाहे under this bad language and everything, shouting aloud, terrifying atmosphere, violent atmosphere, because of the evil spirit, not the Holy Spirit. कौन पाई छानेगा ये? जब यीशु मसीह के देखने से निकल पड़ा वो, आपको देखने से निकल पड़ेगा नहीं, लेकिन आप पहचान सकते हैं कौन है। When you speak violently, do violent work, terrifying atmosphere, you abuse your sister, abuse your brother, and you chide your wife, and you do something wrong against evil things and harming your body, a personal life, harming your family, harming others with your sharp arrow of your words and sticking and deeply you are penetrating in your neighbor's heart. दस यू पहचानो कि कोई है अंदर, वो बुरा आदमी है, वो बुरा मनुष्य है, अंदर अपदूत ग्रस्त है। जब वो निकल पड़ेगा क्या करना चाहिए? यीशु मसीह बोला, उन्हें विनती कर रहा है, ही इज आस्किंग, व्हाट इज नॉट आस्किंग, ही इज अर्जिंग टू गॉड, अर्जिंग एंड सलमनली आस्किंग एंड ही मीट बेगिंग। विनती करता हूं, दंडवतु करता हूं मैं, आई विल सैल्यूट यू जीसस क्राइस्ट, आई नो यू आर द बिलव्ड सन ऑफ योर फादर जहोवा, बट इट्स नॉट अ टाइम। समय तो दिया गया ना पूरा खराब करने के लिए, समय दिया गया शांति ले जाने के लिए, समय दिया गया बेचैन बनाने के लिए, समय दिया गया बेवफा बनाने के लिए, समय दिया गया और जालिम बनाने के लिए।
समय दिया गया ना, जो इकट्ठा हुआ उनको इकट्ठा नहीं होने के लिए, उनका जो वन्य से उसको तोड़ देने के लिए समय दिया गया। आप क्यों, हमारा आप हमसे क्या है, हम बोल देना हमसे क्या मतलब था आपको। जब व्हेन वी से समथिंग वी से, आपका काम आप देख लो, हमसे क्या मतलब है आपको। फादर जी आपसे हमको क्या मतलब है, मैं जो सोचूंगा वही करूंगा, मैं जो बोलूंगा वही बोलूंगा, बस। व्हाट दिस इज कॉल्ड, पहचानो वो अंदर कौन है। पहचानने से क्या करना चाहिए, निकल पड़ना चाहिए। जब निकल पड़ा, विनती कर रहा है, मैं यहां से निकलकर सुअर है वहां चरने वाला, उनका सुअर का अंदर एक अच्छा बात है, वह कहां लिखा झुंडा, आई मीन टू से बहुत सारा सुअर है, उनका अंदर हमें भेजो, हम लोग को पाताल नहीं भेजो, डोंट सेंड अस टू द हेल, हमको टाइम समय है, अवर ये दुनिया में रहने के लिए समय है। वहां से परमपिता और उन लोग ने यहां ठोक दिया, हम लोग भेज दिया, हां हम लोग दफा कर दिया, वहां से दफा कर दिया, भेज दिया, हां यहां रहने के लिए समय है, हम लोग को समय दिया गया। यू नो दैट टाइम इज गिवन, अपॉइंटेड टाइम इज देयर फॉर सैटन द डेविल द डीमन। God has appointed some time to he live on the earth, not to spoil, to test each and every one. The devil or the demon possesses, and it will enter without your permission enters. वो ऐसे ऐसे जबरदस्त अंदर नहीं आएगा, आपने थोड़ा सहारा दिया है डबल करके, आपने बुरा काम किया और सोच बुरा है, आप बोलना बुरा है और बुरा हरकतें है, आप जालिम है, बेवफा है, ईमानदार नहीं है, बेईमान है आप। जब बेईमान बना, बेवफा बना, जालिम बन गया और परमपिता का साथ ठीक ठाक नहीं कर रहा, जो गलतियां है, बुरा हरकतें हैं, देन इट गेट्स एन हैप, it gets an a chance, it gets an opportunity to enter into the heart of Manohar, it gets the chance and a good golden chance to enter into the hearts of a people. How scanty opportunity, a little opportunity, a little help is enough to enter. Ek thoda sa sahara dene se bas, aise aath ek ungli de do bas, ऐसे एक बात मिठास से बोलो। हम लोग ना शैतान को, डेविल को, डीमन को मिठास से बोलना नहीं चाहिए। और परमपिता ने यीशु मसीह जब जमी ये धरती पे थे, शिष्य थे, पितरुस ने बोल रहा कि ये आप मरना नहीं चाहिए, आप वहां चढ़ना नहीं चाहिए, कुछ नहीं बहाना चाहिए, हाँ जिंदा होना चाहिए। इट्स द डिवाइन प्लान ऑफ गॉड, दैट गॉड हैज प्लान, it's the plan, he sent Jesus Christ to die for our sins, it's a divine plan. Without his death, we don't get any forgiveness, conviction, we don't get any remedy, and we won't get salvation. It's God's plan. But Petrus ne bola, ye nahi hona dunga main, kaun aap usko rukne wala, jab mar rahe to rukne wala kaun hai, marna chahiye और कुर्बान होना चाहिए, कुर्बानी होने के लिए, मरने के लिए, मुक्ति बन देने के लिए, आप वो लहू बहाने के लिए आया है, उसका लहू से ही पवित्र होगा आप। बोला नहीं मैं ऐसा नहीं होने देगा, जब क्या बोल रहा था, जब पहले से बोला ओ यूजर्स पेट्रोस, तेरा नाम पेट्रोस है, मैं आपको परमपिता ने आपको सब बता दिया, नहीं तो आपको ये जानकारी, इन द इनसाइट गॉड हैज गिवन यू टू नो, इट्स नॉट माय स्ट्रेंथ, एंड गॉड रिवील यू, रेवलेशन हैज कम टू पीटर, गॉड हैज रिवील यू, आई नॉट माय फादर रिवील यू एवरीथिंग, व्हाट द फ्यूचर इज गोइंग टू हैपन टू मी, आई एम गोइंग टू डाई एंड राइज अगेन। बट इतना बोलने वाला, इतना फ्यूचर देखने वाला बोल रहा है, ये नहीं होना चाहिए आपको। जब यीशु मसीह ने बोला, शाबाश करके उनको बोला, नहीं Satan, go back. You devil, go back.
द डेविल इनसाइड यू आई हैव सीन द हरकते आप बोलने का जो तरीका है एंड यू आर स्पॉइलिंग द डिवाइन प्लान एंड यू आर टॉकिंग अगेंस्ट द डिवाइन प्लान एंड यू आर टॉकिंग अगेंस्ट माई फादर हु इज देयर इन हेवन एवरीथिंग इज इन हिज हैंड सब उनका साथ है उनको मैं मानता हूं वो मुझे भेजा उनका काम करना इरादा पूरा करना इच्छा पूरा करना वो ये मेरा मकसद है जो मकसद उनका है मकसद को खराब करने वाला कौन है आप सब लोग हम लोग चाहते हैं व्हेन वी प्रेज एंड अप्लॉड जीसस वाह शबाश करके बोलेगा हम सोचते हैं ऐसे ऐसे नहीं है भगवान का दिल यू डेविल यू आर स्पीकिंग लाइक एन पैटर्न ऑफ द वर्ल्ड You are speaking like the pattern of the world. I am not in the pattern of the world. Even though I live in the world, I am not the worldly man. I am a man, son of man, but I am not a man. 100% humanity is there. 100% divinity is there. He is a divine God. He is a divine. He is a divinity is there. When you see the divinity of God, when he speaks, when he do miracle, when he condemns everything, When the devil feels to the heels at the time, at the moment, you say divine. Otherwise, the devil or apadut grast, unka upar aa jaate the. Dekhiye, Paulus ne apadut grast ko unka andar se nikal diya. Aur saat log aaya, jo fadri ke bete the un log. वो अपदूत ग्रस्त का उन लोग को शैतान को निकालने के लिए बहुत मुश्किल से उन लोग ऐसे बोलने लगा यीशु मसीह का नाम से हम लोग करते हैं आप निकल जाओ उसको कितना मार दिया मालूम है मैं यीशु को जानता हूँ पौलुस को जानता हूँ आप कौन है कौन तुम लोग मेरा ऊपर अधिकार उनको यह है अधिकार He has a power on me and is temptable. God, I know his chivalry, his splendor, his glory. I know he is the God who sits beside his father on the right side of the throne of my father. But I don't know who are you. Even devil says, the demon says, who are you? I don't know. I know Paulus. I know Paul, Saint Paul. I know Jesus. Who are you? I know Jesus. The testimony that demon giving, I know Jesus. इसलिए विनती कर रहा है मुझे हम लोग को वहां पाताल मत भेजो सुवर का अंदर भेज दो जो पानी का अंदर डूब के मर गए सब व्हाट यू अंडरस्टैंड दिस पैसेज इट्स नॉट अ पैसेज इट्स नॉट अ काकबुल स्टोरी इट्स व्हेन द रियल स्टोरी दैट हैपेंड व्हेन जीसस अलाइव ऑन अर्थ वो अपदूत ग्रस्त वाला आगे आने के लिए निकल पड़ा हम लोग अंदर क्या निकलते हैं यू रीड ऑन मार्क चैप्टर 7:21 ऑन वर्स व्हाट इविल डूइंग्स आर इन माय इन आवर हार्ट एवरीथिंग दैट वाज एनलिस्टेड देयर यू कैन सी हम लोग जब बातों में अरकथे में चलने में सब लोग हम लोग पवित्र आत्मा आने से कैसे रहेंगे अपवित्र आत्मा आने से कैसे रहेंगे सो यू कैन आइडेंटिफाई You know the child who lives in the jungle, who bonds in the jungle, who lives in the among the animals. He become animal. You know, उसको ऐसे पूरा बदन में कुछ कुछ बाल आता नहीं है, लेकिन वो चलने में वो जानवर जैसे चलेगा. And he can't communicate. You know, after 12 years you bring him, he became violent. He don't know the love of father. He don't know love of mother. And he don't know the environment is a violent atmosphere. And he will eat like his mouth. He won't use his hands. Even his hands will be used for your legs, like a legs and four-footed animal. You can see in him, khane mein, peene mein, chalne mein, he will walk and he will stay like animal. Do you call him animal? No, because he was born and brought up in the jungle. Among us to the wolves, among us to wild animals. And he has seen that atmosphere of a roaring lions and tigers. And see, the wolf is howling. The wolf howls. He will howl like a wolf. He never called ma. And even a sophisticated language. It took years to gather to communicate. वो पहले उनको आंख बांध कर साउंड हमने चला क्या साउंड है बोलने से ओ
It took years to make him to get communicate with you, and takes a time, long time, years to gather to become a social man, social animal. Why it happened? He was in the jungle atmosphere. You see lion, you see owl, you see fox, that's all. Everyone crawling and jumping and leaping and hopping. It's not a game. And we hop, we jump, because it became playing games like that. If some people will jump and leap like Johnny, Joe, something, Benny, something, we call a sportsman. But we won't jump, we walk. But that man will not walk because of the atmosphere. What I would like to convey you, if you are in the holy atmosphere and the holy congregation, you attain the Holy Spirit when called, and God, the Holy Spirit descended upon you, and aapka arkate aur baate aur pachar aur jachar, everything will be changed. You are not the pattern of the world, you are the pattern of the palace, pattern of the disciple, pattern of the apostles. And we become disciples of God, hand in hand, walking with Him, and resemble God. Resemble God. We resemble God. ऐसे आईना में देखा, आईना में मेरा चेहरा ही आएगा. अगर आईना में दूसरा चेहरा आएगा तो मैं डर कर भाग जाऊंगा. When you see the mirror, the exact figure, you can see. If I won't look, my face, I see another face like a giant. A corpulent man, robust one. So what happened? Aina dekhe main bhag jaunga. I will run because my face is not seen in the mirror. So you resemble, you are a mirror of God when you attain the Spirit. So that when you worship with the God gives such splendor, His holiness comes upon the temple, and His glory comes upon the temple, that we pray to Lord to speak, and we sing to speak, we get fear to God. That is called wisdom, when we fear unto the Lord. That we do reverence to God. We respect. That is called the Holy Spirit resides and everything changes. When the apadutagrast hai sabka andar, and you are 50% human being, and 50% the evil spirit is there, 50-50, always dangerous. Or the little knowledge is dangerous, a little faith also dangerous. God condemns and says, you are people of little faith. Just we be fullness of faith, you just attain when you attain God. That's why you are unable to stop the wind. Unable to stop the wind, unable to release the tormented spirit in that particular man. Humne kyun nahi unko आज्ञा दिया तो अपदूत ग्रस्त वाला ऐसे शैतान उनका अंदर से गया ना है. क्या कम है हम लोग आपका शिष्य है, आपका साथ खाते हैं, आपका साथ पीते हैं, आपका साथ बैठते हैं, आपका साथ सोते हैं. वी आर योर डिसाइपल, वी डाइन एंड वी ईट, वी ड्रिंक एंड वी फॉलो यू, एंड वी आर रिसाइडिंग विद यू. तो व्हाट हैपन, वी आर अनेबल टू रिलीज एंड अनेबल टू ऑर्डर, अनेबल टू कमांड द टॉर्मेंटेड स्पिरिट. काम क्या था जब यीशु मसीह ने बोला विश्वास का साथ प्रार्थना करो, विश्वास का साथ आप यू फास्ट एंड प्रे विथ फेथ, एवरीथिंग एडेड अंट यू, एंड यू कमांड दिस ट्री और कमांड दिस माउंटेन विल गो एंड फॉल एंड द सी. एवरीथिंग इज पॉसिबल अंटू गॉड एंड एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल टू अस when God is inside us, and we will get that strength, and we will be totally changed, and the change will mirror to us like a focusing of a torch. The beam of light comes out in a straight manner, a crooked manner, Joseph, it goes a straight manner, it gives light. In the light there is everything will be seen clearly, and you know that light is only focusing light. It has a strength, can do wonderful deeds. It will penetrate even in the wall, even iron, everything. That gives an away to people. Then we become an apadut gast mano jaise nahi rehna chahiye. Wo chilla uth raha hai,
और उग्र बन जा रहा है। उनका अरखते घर में शांति नहीं है, बीबी का साथ शांति, बच्चों का शांति नहीं। एंड ई विल लिविंग इन द सॉलिटरी प्लेस इज अलोन, ही ऑलवेज अलोन हिमसेल्फ, हिमसेल्फ इज बीटिंग हिमसेल्फ एंड मेकिंग हार्म टू हिज सेल्फ बॉडी। एंड उनको ये माइंड खराब हो गया, मतलब बोलता है ना उनका अंदर दिमाग में क्या है, शैतान है। सो ये निकल पड़ा तो आप अच्छा हो गया। समाज को अच्छा करने के लिए यीशु मसीह आया। जब अवधूत आत्मा चले गया तो मनुष्य का स्थिति क्या था? पहला स्थान कब्रिस्तान था, पहले वो उग्र होकर वायलेंट बन रहा था। अभी यीशु मसीह का पैरों का पास वो बैठकर विनती से और वहाँ पकड़ के ऐसा पकड़ के है और बोल रहा है मैं आपका साथ चलूँगा, चलो मैं आसा। कितना शांति हो गया, कितना अच्छा आदमी बन गया और अभी बुरा हरकत ही नहीं। इज नॉट बिकिंग वायलेंट, इज नॉट स्पीकिंग, इज नॉट मेकिंग टेरिफाइंग एटमॉस्फियर। वो बोला घर को जाओ, इस मसीह बोलते घर जाओ, मैं आपका साथ चलूंगा, घर जाओ, बीबी का साथ रहो, बच्चे का साथ रहो, मैं जो काम दिया निभाओ और बोलो वहां इस मसीह क्या क्या किया आपको, व्हाट द वंडरफुल डीड्स गॉड हैज डन इन योर लाइफ, और दैट्स यू जस्ट ग्लोरीफाई हिम एंड गो टेस्टिफाई, बिकम एंथुसियास्टिक विटनेस टू ऑल द वर्ल्ड। गांव में जाओ और शहर में जाओ, चिल्ला चिल्ला के जब उठ के उग्र बन रहे थे, अभी चिल्ला चिल्ला के सुसमाचार बढ़ाओ। दैट इज आपका फर्ज है, दैट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दैट इज कॉल्ड हेवी लैडन। दैट हेवी लैडन गॉड हैज deleted and put this heavy laden. It is very easy, the yoke, the work, the Bible, the provision, you have to go and proclaim the word of God. Pray, Lord, thank you for this this word of God. Paramapita, aapka sab log aapko bachche jaise suna hai unko hai vakya andar jane ke liye vida karo, 30% 60% and 100%, is mas ke naam se prarthna kar raha hu, amen.